चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप सभी ने कभी ना कभी किया जरूर होगा, या फिर आप सभी लोग कर भी रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि चैट जीपीटी को आप पाइथन के जरिए भी चला सकते हैं, या पाइथन के कोड के अंदर चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अपना खुद का एक चैट बॉट बना सकते हैं। बिल्कुल, आज के इस वीडियो के जरिए हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं कि पाइथन के जरिए चैट जीपीटी को कैसे प्ले किया जाता है, कैसे रन किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के जरिए हम देखने वाले हैं। यदि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे काम करती है और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या किसी और स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो WsCube Tech के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, या courses.WsCube Tech के ऊपर जाकर आप हमारा कोर्सेज परचेज करके भी आप सीख सकते हैं। Hey everyone, once again, welcome to WsCube Tech, myself Gaurav, और आज की इस वीडियो के जरिए हम ये सीखने वाले हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल पाइथन के अंदर कैसे किया जाता है। पहले ये जानते हैं कि चैट जीपीटी है क्या और किस तरीके से वर्क करती है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको गूगल के ऊपर ले चलता हूँ, और गूगल के ऊपर जाने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सिंपल सा लिखना है चैट जीपीटी। देन चैट जीपीटी लिखते ही आपको ओपन एआई की जो वेबसाइट है वो आपको खुल जाएगी, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी आपको मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी आपको देखने को मिलेगा। चैट जीपीटी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको पहले से क्या करना है, एक साइनअप करना है। यहाँ पर नहीं किया हुआ है तो साइनअप कैसे करा जाता है, इसके लिए आपको WsCube Tech के यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसे सीख सकते हैं। फिलहाल हम साइनअप नहीं, लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमने पहले से साइनअप कर रखा है। तो फिलहाल मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और लॉगिन करने के लिए मैं गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करूंगा। गूगल के अंदर ये जो मेरा अकाउंट है इसके ऊपर क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। देन लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट और डन कर देते हैं इसे यहाँ पर। अब देखिए चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो चैट जीपीटी के अंदर आप क्या करते हैं, चैट करते हुए आप अपने आंसर्स को गेट करते हैं। जस्ट लाइक मैं इसे पूछता हूँ यहाँ पर, व्हाट इज पाइथन, यस व्हाट इज अ पाइथन, यस मैं इसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज अ पाइथन, तो ये मुझे क्या कर रहा है, व्हाट इज अ पाइथन का आंसर मुझे देगा, मतलब पाइथन क्या है, कैसे काम करती है, उसका मुझे यहाँ पर डिटेल के साथ आंसर देने वाला है। हम क्या करने वाले हैं कि चैट जीपीटी जिस एपीआई के ऊपर काम करता है, मतलब ये डायरेक्टली नहीं काम करता, ये भी एक एपीआई के ऊपर काम करता है, और वो है आपके पास यहाँ पर ओपन एपीआई, यस ओपन एआई की एपीआई के ऊपर काम करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, ओपन एआई की जो एपीआई है उसको हमारी पाइथन फाइल के साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे, और हमारा खुद का इस तरह का एक चैट बॉट बनाने वाले हैं। बस अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि देखिए चैट जीपीटी जो आपको आंसर देता है वो फुल ऑन डिटेल के साथ देता है, क्योंकि इसे इतना अच्छा ट्रेन कर रखा है कि ये अपना जो आंसर है वो इतनी डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड करता है। यही काम हम क्या करेंगे, हमारे चैट बॉट के साथ करेंगे, तो वो हमें डिटेल के साथ तो आंसर नहीं देगा, लेकिन हाँ हमें कुछ हद तक जो आंसर्स है वो सिमिलर देने वाला है। बस यही एक छोटी सी फर्क होने वाली है आपके चैट बॉट के अंदर और चैट जीपीटी के अंदर। तो फिलहाल इसने हमें आंसर दे दिया है कि व्हाट इज अ पाइथन, पाइथन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मुझे बहुत अच्छे एक डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर। अब यही डिटेल्स हम यहाँ पर जाते हैं हमारी चैट जीपीटी से। ओके, आपको सिंपल सा क्या करना है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपल सा लिखना है ओपन एआई की एपीआई। देन जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन एआई की जो एपीआई है इसे आप ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, साइन अप करना है। अब साइन अप यदि आपने पहले से कर रखा है तो आप इसके अंदर लॉग इन भी कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिलहाल हम साइन अप कर रहे हैं और इसके लिए हमें गूगल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिलहाल अपना गूगल अकाउंट जो है वो वापस देने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पे लग चुका है और हम यहाँ पर साइन अप भी हो चुके हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी एपीआई की को गेट करना है। लेकिन हम ये पहले ये देखेंगे कि इसका सोर्स कोड कैसे लिखा जाएगा और एपीआई की कहाँ से मिलने वाली है। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एग्जाम्पल में जाना है। एग्जाम्पल के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा चैट। इस चैट के अंदर आपका जो चैट बॉट है वो कैसे काम करता है, उसकी एपीआई की और वो सब कुछ आपको डिटेल के साथ मिल जाएगा। अब इसका क्या करना है, आपको ओपन प्लेग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, तो अब इसका प्लेग्राउंड ओपन होगा, जैसे चैट जीपीटी काम करता है वही चीज आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सिंपल सा व्हाट इज अ पाइथन, यस व्हाट इज अ पाइथन, मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख रहा हूँ। एंड पाइथन लिखने के बाद जस्ट मैं सबमिट करता हूँ तो एआई अपना आंसर जो है वो मुझे दे रहा है। देखिए ये जो आंसर है इतने बहुत ही छोटा सा आंसर दिया है, लेकिन आप यहाँ पर चैट जीपीटी की कंपेरेटिवली आंसर को देखेंगे तो ये काफी हद तक मैच कर रहा है, कुछ कुछ मैच कर रहा है, और आपका आंसर जो है वो आपको मिल चुका है यहाँ पर। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे की गई है, चैट जीपीटी ने अपना आंसर कैसे दिया है ओपन एआई से, तो इसका जो कोड है वो आपको मिलेगा व्यू कोड के अंदर। व्यू कोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सोर्स कोड है वो आपको मिल जाएगा, और ये सिंपल सा पाइथन का कोड है जो आप चैट जीपीटी की हेल्प से, जो कि आपके पास क्या कर रहा है, जो कि आपके पास यहाँ पर पाइथन की हेल्प से आप लिख सकते हैं, और आप ये जो कोड है इस कोड को पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लगाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा और सेम एज चैट जीपीटी की तरफ भी काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर इंपोर्ट ओएस करना है सबसे पहले, और उसके बाद ओपन एआई करना है, लेकिन आपको ओपन एआई की एपीआई की भी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर।
तो अब ये ओपन एआई की एपीआई की कहां से मिलेगी, तो मैं वापस चलता हूं एग्जांपल ऑफ ओपन एआई के ऊपर और यहां पे इसको क्लोज कर देता हूं और सिंपल सा पर्सनल में चलता हूं। पर्सनल के अंदर देखेंगे आप यहां पर व्यू एपीआई की आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसको व्यू एपीआई कीज के ऊपर आपको क्लिक करना है। सिंपल सा पहले आपको यूजर्स पे जाना है, यूजर्स के ऊपर जाके देखिएगा आपका यूजर्स कितना पड़ा है। देखिए मैं आपको बता देता हूं ओपन एआई की जो एपीआई की है वो फ्री नहीं है, बहुत ही कम इसका सोर्सेज है फ्री का। जैसे देखिए मुझे यहाँ पर केवल $5 का जो है सोर्स दे रखा है फ्री का, और आप जितना डेली यूज करते हैं उतने उतने डॉलर्स इसके अंदर कम होते रहते हैं। तो पहले आप अपना देख ले कि फ्री ट्रायल वर्जन कितना है, तो फिलहाल अभी $5 का रखा गया है यहाँ पर, इससे पहले $18 का था यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल $5 का है। आपको पहले पेड वर्जन नहीं करना है, आप अपना एक पहले अच्छा सा प्रोग्राम बिल्ड कर दें, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं इसका पेड वर्जन यदि आप चाहते हैं तो आप इस पेड वर्जन को खरीद सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे पास $5 का फ्री वर्जन है, तो मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर एपीआई कीज के ऊपर जाऊंगा, एपीआई की के ऊपर आपको जो की है वो की जनरेटर मिल जाएगा यहाँ पर, क्रिएट न्यू सीक्रेट की आपको मिल जाएगी। देन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो मेरी ओपन एआई की एपीआई की है वो मुझे मिल जाएगी। देन मैं जस्ट इसको सिंपल सा कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं अपना नोट पेड ओपन करने वाला हूं यहाँ पर, एंड नोट पेड के अंदर ये जो एपीआई की है इसे मैं एक बार के लिए पेस्ट कर देता हूँ। चलिए और फिलहाल इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं यहाँ पर। अब वापस चलते हैं प्लेग्राउंड के अंदर जहां पे हमें कोड की जरूरत थी। देखिए कोड के अंदर आपको सबसे पहले ओपन सिस्टम ओएस की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद ओपन एआई की जरूरत पड़ेगी। देखिए ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है जो कि आपके सिस्टम के साथ काम करता है। फिलहाल देखिए हमें हमारे सिस्टम के साथ कोई काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो जनरेटेड की है उसको आपके सिस्टम से लेके आता है, तो आपको सिस्टम के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हाँ आप अपने सिस्टम के साथ से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप इस ओएस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। ये सिस्टम ओएस सिस्टम का जो मॉड्यूल है वो आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ यदि आप ओपन एआई मॉडल के ऊपर बात करेंगे तो ओपन एआई जो मॉडल है वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं मिलेगा, आप पहले इसको क्या करें इंस्टॉल करें। अब इंस्टॉल करने के लिए क्या करें, आप अपने ब्राउजर पे जाएं, ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद आपको लिखना है ओपन एआई, एंड ओपन एआई के बाद में आपको सिंपल सा लिखना है पाइथन, और पाइथन की लाइब्रेरी को आप क्या करना चाह रहे हैं इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, देन आप क्या करें इंस्टॉल करें। तो देखिए पाइथन का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा, इस ऑफिशियल पेज के अंदर आपको ओपन एआई का जो यहाँ पे पाइथन का जो पिप इंस्टॉल ओपन पिप इंस्टॉल वाला जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए पिप इंस्टॉल ओपन एआई आपको मिल चुका है, जस्ट इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है अपने सिस्टम के अंदर जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है सीएमडी लिखते हुए, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सिंपल सा पिप इंस्टॉल ओपन एआई को आपको करना है पेस्ट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ओपन एआई का मॉड्यूल आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यदि नहीं है तो आपका सिंपल सा ये इंस्टॉल होगा। चलिए अब आपको कोड लिखने की बारी है और अपना खुद का एक चैट बॉट बनाने की बारी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये कैसे करा जाएगा, तो फिर देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एडिटर के तौर पर मैं पाइचार्म को ओपन करने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एडिटर के तौर पे मैं पाइथन को ओपन करा रहा हूँ। आप जो चाहे वो एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्पाइडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, वीएस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको जो आपको सुटेबल लगे आप क्या करें उस कोड को इस्तेमाल कर लीजिए। ओके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सी अपनी एक पाइथन की फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मैं अपनी सिंपल सी पाइथन की फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ टेस्ट। यस मैं यहाँ पे लिख रहा टेस्ट, और टेस्ट लगाने के बाद दैट मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो ये test.pi के नाम से मेरी फाइल बन जाएगी। अब आपको क्या करना है ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे जाना है, यहां से आपको कॉपी करना है अपने सोर्स कोड को, देन कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है पहले उसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास देखिए आपको मांगा जा रहा है ओपन एआई की एपीआई की, अभी अभी जस्ट हमने ओपन एआई की एपीआई की को यहाँ से लिया है, तो मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद इसको डोंट सेव करते हुए यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं और आपको ये जो की है वो एज ए स्ट्रिंग आपको पास करानी है, तो वो हमने पास करा दिया। उसके बाद में देखिए अब आपको क्या करना है क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर करने के लिए देखिए आपका जो क्वेश्चन आंसर चलेंगे वो एक कंटिन्यूसली लूप के अंदर चलने वाले हैं, मतलब आप एक क्वेश्चन करके रुकेंगे नहीं, आप एक क्वेश्चन करेंगे फिर उसका दूसरा करेंगे फिर तीसरा करेंगे चौथा करेंगे, तो क्वेश्चन लगातार करने वाले हैं। और जब आप क्वेश्चन लगातार करने वाले हैं और किसी भी चीज को लगातार चलाना है तो उसके लिए हमें लूपिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और हमें पाइथन के अंदर फॉर लूप एंड व्हाइल लूप दोनों चीज प्रोवाइड कराई जाती है।
तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं while लूप को, और while लूप के अंदर हम इसे इनफाइनाइट टाइम तक चलाने वाले हैं, तो इसके लिए हम while true का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, while लूप को इस्तेमाल करने वाला हूँ, और while के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिलहाल मैं while के अंदर जाऊंगा, while के अंदर क्या करूंगा इसे यहाँ पर true लगाऊंगा, ताकि ये जो लूप है वो कंटिन्यूसली हमारे पास चलता रहे, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है मैं क्या करूंगा लूप के अंदर डाल दूंगा यहाँ पर। ओके, और इस while लूप को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। चलिए, तो ये while लूप लग चुका है। अब हम हमारा जो क्वेश्चन है वो गेट करना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन यूजर से लेके आने वाला है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे ask नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और ask नाम से वेरिएबल बनाने के बाद दैट्स मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, और इनपुट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंटर योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटर, एंड एंटर लगा के बस यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें देना किसे है, और जहां से हमें हमारा आंसर मिलेगा वो भी चेक करना है। तो फिलहाल देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको देना है प्रमोट को। यस, प्रमोट के अंदर आपका अपना क्वेश्चन देना है, और प्रमोट के अंदर क्वेश्चन देने के बाद में आपके पास जो आपका आंसर है वो आपको कहां से मिलेगा, तो ये जो रिस्पॉन्स नाम का जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार किया है, जो कि आपका क्रिएट नाम के जो मेथड है, यस क्रिएट नाम का जो मेथड है, इसके अंदर से आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसके अंदर से आपका रिस्पांस नाम का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको अपना आंसर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप क्या करें, प्रोमोट के अंदर जितना भी चीजें लिखी है इसको आप हटा दें, और आप जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो आस्क वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर दें। फिलहाल देखिए, ये जो लूप है ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इस लूप को हमें रोकने की भी जरूरत है, तो रोकने के लिए मुझे यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब ये ब्रेक कैसे करेगा जरा उसको देखते हैं। तो फिलहाल इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट लगाता हूँ कि इफ यदि आपका आस्क जो है वो आपका इक्वल्स टू क्या बन जाए, यहाँ पर ब्रेक बन जाए। यस, इक्वल्स टू ब्रेक बन जाए, तो ये सिंपल सा जो लूप है वो क्या हो जाए, यहाँ पर ब्रेक हो जाना चाहिए, और ब्रेक से पहले एक सिंपल सा मैसेज भी जाना चाहिए यूजर के पास। तो वो मैं लिख देता हूँ थैंक यू मैसेज, और इस लूप को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा। That's simple सा मैंने यहाँ पे ब्रेक कमांड लगाया जिससे ये ब्रेक हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे सिस्टम को कंटिन्यू चलाने के लिए, मैं यहाँ पे else का इस्तेमाल करूंगा, और else के अंदर ये जो मेरा अपना कोड है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ताकि जो ओपन AI है वो लगातार चलती रहे और अपना आंसर देती रहे। चलिए, अब उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स हमें हमारा आंसर यहाँ पे देने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा, और नीचे जाने के बाद मैं सिंपल सा प्रिंट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। देखिए, रिस्पॉन्स जो आपका आंसर देने वाला है, ये जो आंसर है ये आंसर आपको API के अंदर देने वाला है, और API आपको पता है आपको डिक्शनरी की तरह दिखती है, और उस डिक्शनरी से हमें हमारा आंसर को गेट करना है। चलिए, इस सवाल इसे रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। तो इसको रन करने के लिए मैं टेस्ट के ऊपर जाता हूँ और इसे डीबग का टेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास स्टार्ट हो चुका है हमारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में ये मुझसे पूछ रहा है एंटर। चलिए, मैं एंटर के अंदर लिखता हूँ यहाँ पर व्हाट, यस यहाँ लिखते हैं व्हाट इज API, यस एंड देन रन करते हैं इसे। ओके, तो इसने अपना आंसर दे दिया है, API क्या है, API के रिलेटेड यहाँ पर इसने जो भी आंसर है वो एज दे दिया है। लेकिन ये जो आपका आंसर मिला है वो आपको देखिएगा यहाँ पर डिक्शनरी के तौर पे मिला है यहाँ पर। यस, ये जितना भी आंसर मिला है एज ए डिक्शनरी की तरह मिला है, क्योंकि ये आपका API के अंदर आपका इसका आंसर मिला है। अब आपका आंसर किस में छुपा हुआ है, आपका आंसर यहाँ पर टेक्स्ट में छुपा हुआ है। तो इस टेक्स्ट के अंदर आपको कैसे गेट करना है, तो सबसे पहले आपको चॉइसेस पे जाना है। चॉइसेस के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगी एक लिस्ट। देखिए, यहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट होती है, और ये लिस्ट आपके पास नीचे जाते हुए कहीं पे खत्म होती है। नीचे आप जैसे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस लिस्ट के अंदर एक और डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा। अब ये डेटा कैसे गेट किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको कोर पाइथन का आना जरूरी है, और कोर पाइथन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोर पाइथन यदि आपको सीखना है तो आप WsCrypto के यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं, या फिर WsCrypto के ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के अंदर जाके भी आप इसे सीख सकते हैं। चलिए, हम हमारा डेटा गेट करते हैं कि डेटा कैसे गेट होगा। तो देखिए, रिस्पॉन्स के बाद हमें क्या करना है, हमारा डेटा गेट करना है, तो उसके लिए मुझे चॉइसेस की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चॉइसेस को कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट करता हूँ। उसके बाद में मेरा जो डेटा है वो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे है, उसके बाद मेरा जो डेटा है वो जीरो इंडेक्स नंबर पे है, तो जीरो इंडेक्स नंबर पे जाऊंगा। उसके बाद मेरा जो डेटा है वो कहाँ है, टेक्स्ट के अंदर छुपा हुआ है, तो मैं यहाँ से अपना जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे गेट करने वाला हूँ। चलिए, अब आप एक बार अपने प्रोग्राम को देख लेते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो सही है या नहीं है। तो बिल्कुल सही है, while 2 आ रहा है, while 2 के अंदर हमने हमारा क्वेश्चन को आस्क किया है। आस्क करने के बाद में हमने आस्क को चेक किया कि वो इक्वल्स टू ब्रेक इक्वल है, यदि ब्रेक इक्वल है तो ब्रेक कर जाएगा, अदरवाइज जो मेरा प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली चलता हुआ रहना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसे क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद में एक बार हम नीचे चलते हैं, और नीचे चलने के बाद में देखते हैं यहाँ पर। ओके, फिलहाल ये प्रोग्राम को स्टॉप किया, इस वजह से यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, नहीं तो आपके पास कंटिन्यूसली चलता। चलिए, देखिए हमारा प्रोग्राम चल चुका है, और एंटर पूछ रहा है। अब मैं यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए क्या क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज अ पाइथन। यस, व्हाट इज अ
पाइथन में से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूं यहाँ पर, देन एंटर करूंगा यहाँ पर। तो देखिए ये जो पाइथन क्या है उसका आंसर मेरे पास लिखा आएगा जैसा पहले लिखा आया था। देखिए पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देन बहुत कुछ चीजें बता रहा है, और यही चीज हमने यहाँ पे भी गेट की थी। यस, यदि मैं आपको प्लेग्राउंड को थोड़ा सा क्लोज करूं तो देखिए यहाँ पर पाइथन क्या है, पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है, दैट्स वो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर दे रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं और इसे ट्राई करते हैं कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। देखिए मैं चैट जीपीटी से भी वही क्वेश्चन पूछूंगा और जो मैंने चैट जीपीटी बिल्ड किया है उससे भी वही क्वेश्चन पूछूंगा और चेक करूंगा यहाँ पर कि आंसर दोनों में से कौन सा सही है। चलिए तो मैं यहाँ पर सिंपल सा पूछ रहा हूँ टू नंबर को एड करने से रिलेटेड। तो मैं लिख रहा हूँ टू नंबर को हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, एड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, और नंबर मैं पूरा लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो एनयूएम नंबर हम टू नंबर को क्या करना चाहते हैं, ऐड इन पाइथन। सिंपल सा टू नंबर को ऐड कर रहे हैं हम पाइथन के अंदर, तो इसका मुझे प्रोग्राम लिख के बता दो। तो देखिए ये अपना एक प्रोग्राम जनरेट करके देगा जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टू नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं वो पूरा मुझे बता रहा है। जैसे 5 और 10 लीजिए, n1 n1 प्लस n2 कीजिए, तो आप यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन के अंदर आप अपना जो सम है वो लेके आ जाएंगे। देखिए चैट जीपीटी ने हमें ये आंसर निकाल के दिया है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा जो चैट बॉट हमने बनाया है उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए एंटर के अंदर मैं सिंपल जाऊंगा और टू नंबर को ऐड का प्रोग्राम लिखूंगा। जैसे ही रन करूंगा यहाँ पर तो ये अपना जो कोड है वो कोड जनरेट करके दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसने एक फंक्शन बना के दिया है ऐड फंक्शन, और उसके बाद बोला नंबर नंबर टू, और उसके बाद आप सिंपल से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीजनरेट रिस्पांस का, ये बटन यहाँ पे दबाने पर क्या करता है, ये फिर से अपना जो आंसर है वो रीजनरेट करके देता है यहाँ पर, अपने आंसर को चेंज करता है। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं अवेलेबल है। क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक एक करके वापस रन कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर इसकी GUI जनरेट करते हैं तो GUI में अंदर रीजनरेट का ऑप्शन लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वापस वही क्वेश्चन को दोबारा उसके अंदर डालेगा और आपका आंसर देगा। देखिए मैं दोबारा इसके अंदर वही क्वेश्चन डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए ये अपना आंसर चेंज करेगा और चेंज करके मुझे दोबारा दूसरा आंसर मुझे यहाँ पर देने वाला है। फिलहाल देखिए इतने पहले फंक्शंस के तौर पर दिया था, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा आंसर दिया यहाँ पर, बोला है यहाँ पर थोड़ा, देखिए मैं थोड़ा आंसर ऊपर बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इसने आंसर लिखा है कि आप नंबर लीजिए, नंबर टू लीजिए, दोनों इंटीजर तौर पे लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके सम कर दीजिए। देखिए यही फॉर्मेट हमें चैट जीपीटी के थ्रू भी मिला है। यस, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू जो आंसर मिला है उसको भी बता देता हूँ। ये चैट जीपीटी का सेकंड आंसर है यहाँ पर, दैट फर्स्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर नंबर वन नंबर टू लिया है, सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू लिया है, उसके बाद सम का ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पर। तो चैट जीपीटी का जो आंसर है वो आंसर आपको हु बहु यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो देखिए आप अपना खुद का चैटबॉट बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आप यहाँ पर सिंपल OpenAI की API को लगाएं और उसके बाद रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो लगाएं और सिंपल सा अपना खुद का एक चैटबॉट तैयार कर सकते हैं। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि चैट जीपीटी को आप पाइथन के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ जहां पे हम और मजेदार चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यूं ही आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको मजेदार मजेदार वीडियो इसी तरह से आपको मिलते रहे। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।